बहुत इस देवते की बहुत शिकायत है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी सुहावनी जगह है, बाहर आए लोग आते थे। बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, बनारस से आए हैं भैया जी, उत्तर प्रदेश से, इतनी दूर से आए। जी जी, कौन सी दुकान हुई आप? ये मेरे फ्लावर की दुकान है। अच्छा। ये मेरा व्यवसाय है, मैं अपने हाथ से फ्लावर तैयार करता हूँ। रामनगर से इतने दूर से आए आप? जी जी। अच्छा, पहले भी आते थे कि पहली बार? आए जनाब, कठुए आए थे, ते 14 साल हो जाते, जगह इतनी सोहनी है लगी भी सानू, सब तो बेहतर जगह लगी है। वाली आंटी जी भी यहाँ पे खाना बना रही है। देखो, आप कहाँ से आए जी? अच्छा, आप जम्मू से आए जी। उसके ऊपर तो भाई जब वो नीचे आ रहा था ना, वो वाला एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, लेकिन अब हम इसके ऊपर हैं, इसके ऊपर अब पता नहीं है, अब ज्यादा ऊपर जाएगा तो भाई थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। आप बैठे हो पहले? मैं फर्स्ट टाइम पे बैठ रहा हूँ आज। गुंगा नाई था उस जगह, हुआ वो पालकी पाई अंदर दरिया पा रहा बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो जी, मोंगरी से हमारे मनोज भैया जी इतनी खूबसूरत जगह पे यहाँ पे बैठ के रोटी बनाना और खाना, इतना मजा आता है ना। पिकनिक कर रहे हैं ना, ये तो हमारी एक सैर करा, पैसे तो हमारे उधर भी कमाते हैं, उधर भी काम करते हैं, हमारी दुकान भी है, लेकिन इधर हम क्या करने, पिकनिक करने के आते हैं, आनंद लेने आते हैं, मजा एंजॉय। नमस्कार, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस समय हम प्रेजेंट हैं मोंगरी के सरदबड़ में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय मेला लग चुका है और जिसका आज दूसरा दिन है। मेले के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन क्या आपको इस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता है कि ये छोटी सी जगह जो है ये प्लेन कैसे हुई और ये पेड़ कैसे जहाँ पर उगे और ये जो जहाँ पर एक देवस्थान है, जहाँ पर एक देवता है, फेमस देवता, तो इनकी क्या हिस्ट्री है। फिलहाल हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी श्री मोहन लाल जी और इन्हीं से पूछते हैं, सर के हिस्ट्री है इस देवते दे बारे में, बाकी इस जगह दे बारे में। देवते जगह भी ये थी, उसके बाद लोग कई करना लगे इस देवता चुकना, ऊपर पहाड़ी के ऊपर टकाई उल्टे, एक दिन कोई होना कोई बेचारा उड़िया, उसने परे की पैंती उड़ा, चले गया डबरी, डबरी के बाद रही अच्छा, फिर उन्हें दान जुगड़ू शुरू करी, अपने थालिया शालिया दीती और बाही हाले दान जुगड़े रूढ़िए, देवता आई यार, देवते आखा भाई इस जगह नहीं मनाओ, तो लगे जोरा जिमीदार जोरा लगे करना, तो उसने भी पानी चाढ़ा, उसके बाद वो डुबी मरी, तो देवता चले गया वापस उस डबरी बिच, फिर उसके बाद एक दरिया पार है, उस गुंगा नाई था उस जगह, हुआ वो पालकी पाई आंदा था दरिया पार, आंदा डबरी भी सुटी उड़ा, उस आखा रोज जाक बकरा बड्डी भी सुटी उड़ा, 8 जोड़िया ढोल थे। अच्छा, तो एक पालिए बखे खूह, तो एक रोहलिए बखे खूह, छिबी जी पार पति आख जी इस जबाने बिच, तो लोग दुनिया थी उसे 8 रोजे उस एक तलिए उपर पिंडी ले आ सफेद चिट्टी पिंडी, उसके बाद रखी दी, फिर एक जिमीदार होर चक रहे थे, तो ये लोहान बड्ढा उपर ही सारा लोहान बड्ढी पार लोहान फूका, ये पिंडी फटी थी, तो वो पिंडी वो रखी, उसके बाद वो पिंडी फटी थी, 8 दिन वो भी मरी गया था जिसने लोहान फूका था। इस बहुत इस देवते की बहुत शिकायत है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी सुहावनी जगह है, बाहर आए लोग आते थे, तो देवते पाउन भी बड़ी ज्यादा हूँ, बड़ी दुनिया आती है, एक दूसरा दिन मेला हो, एक दिन अभी होर होना है, तो जय बाबा कंस, जय बाबा कंस। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मेले का है आज दूसरा दिन, लेकिन आज दुकानें जल्दी जल्दी लगना शुरू हो गई हैं। वो देखो, आप सामने से देखोगे ना, जैसे ही मेले में एंट्री होती है ना, वहां से लेके दुकानें लगी हैं, इस साइड भी बाकी आगे तक सारी दुकानें लगी हैं। बाकी यहां पर एक भैया जी दिखे हैं, भैया जी कहां से आए हो आप? हम सर बनारस से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। क्या बात है, बनारस से आए हैं भैया जी, उत्तर प्रदेश से, इतनी दूर से आए आप? जी जी। कौन सी दुकान हुई आप? ये मेरे फ्लावर की दुकान है। अच्छा। ये मेरा व्यवसाय है, मैं अपने हाथ से फ्लावर तैयार करता हूँ। अच्छा, जी। खुद ही बनाते हो आप? जी जी। आप यहाँ पे पहली बार आए कि पहली भी आए? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। पहली बार? हाँ। कैसा फील होता है यहाँ पे? मुझे सर यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा लगा, लोग भी अच्छे हैं। अच्छा। हाँ। इस जगह के बारे में अगर एक लाइन कोई बोलनी हो तो क्या बोलोगे आप? मैं बोलूँगा सर यहाँ पर बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और बहुत बढ़िया है, यहाँ वातावरण अच्छा है। Thank you.
बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो जी मोंगरी से हमारे मनोज भैया जी यहाँ की स्पेशल कलाड़ी। रिव्यू देना कि भाई कैसा आपको टेस्ट लगा मनोज भैया के पास। हांजी साहब जी, जलेबियां के भाव आईयां? जलेबियां के भाव आईयां? जलेबियां सस्ती हैं बरे। तो एक और भैया हमें यहाँ पे दिखे हैं भाई, भैया जो है वो खीरा और ये वाटरमेलन लेके यहाँ पर आए हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम उधमपुर से आए हैं सर। हम रामनगर से। रामनगर से इतने दूर से आए आप? जी जी। अच्छा पहले भी आते थे कि पहली बार? पहली बार आए। मोंगरी में पहली बार? पहली बार। यहाँ पे आके कैसा लगता है आपको? अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है, मौसम और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। और आज है मेले का तीसरा दिन। तो भाइयों एक्चुअली मैं दुकान लेके आया था यहाँ पर, जिसकी वजह से आगे पीछे नहीं जा पाया, लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है तो अभी भाई थोड़े झूले झूल रहे हैं हम यहाँ पे। फिलहाल भाई सबसे बड़ा वाला ये वाला डोला है भाई, और ये आ गया क्या बोलते हैं इसको, व्हील डोला कुछ ऐसा ही बोला जाता है। बाकी छोटे छोटे आगे भी हैं भाई, वो जो है ये मछली है और एक डोला वहाँ पे है, बाकी इस साइड भी है। और लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएंगे, मेरे साथ एक दोस्त है भाई, एक दोस्त भी है और भाई भी बोल सकते हैं, भाई भी है और स्टूडेंट भी है, क्योंकि जब मैं बीएड करता था उस समय ये लड़का हायर सेकेंडरी स्कूल क्रिमची में पढ़ता था, टेंथ में है ना। अब ग्रेजुएशन हो गई है? ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर के पेपर है। अच्छा अभी सेकंड सेमेस्टर है? हाँ जी। तो भाई तब ये बंदा नाइन्थ में पढ़ता था, है ना। द एडवेंचर ऑफ टोटो। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ट्राई करें कि हर चीज़ विकास, कोई भी चीज़ करने से पहले ट्राई जरूर करें रीटेक। तो भाइयों पहले हम दूसरे ढोले के ऊपर बैठे थे, अब ये भाई फिश है इसके ऊपर बैठे हैं। उसके ऊपर तो भाई जब वो नीचे आ रहा था ना, वो वाला एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था, लेकिन अब हम इसके ऊपर हैं। इसके ऊपर अब पता नहीं है, अब ज़्यादा ऊपर जाएगा तो भाई थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। आप बैठे हो पहले? मैं फर्स्ट टाइम पे बैठ रहा हूँ आज। आप भी पहली बार? चलो फिर एक्सपीरियंस तगड़ा वाला होने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और मैं विलेज गुल्लावन का रहने वाला हूं। आज हम मोंगरी मेले में आए हैं जो पड़ता है हमारे इधर पंचारी के अपोजिट साइड, मोंगरी वाली साइड। तो हमारा व्यू आज का ये है कि हम आए हैं मोंगरी मेले में, मोंगरी मेले में आए हैं और हमने अभी तक तीन झूले ट्राई कर चुके हैं। अभी हम एक और ट्राई करने जा रहे हैं जो हमारे सामने है। अब इसका हम रिव्यू लेने वाले हैं कि ये कैसा है। आए जनाब कठुए आए दे ते 14 साल हो जाते, जगह इन्नी सोहनी है लगी भी सानू सब तो बेहतर जगह लगी है। इन्ने सोहने मंदिर ने कई दिखने पर ये मैं प्राचीन जगह कदें दिखी नहीं कुछ भी। मेला इन्ना ठीक ठाक है और लोग भी दिखे रहे इतने किन्ने नृत्य होंगे ने सब कुछ, कल कबड्डी में जो भी है डांस सब, वातावरण बहुत चंगे, सब लोग भी अच्छे, डीलिंग भी ठीक है एक दूए की, चलो मिली मिलाप करने आपू बिच एक दूए को कोई भाईचारे बगैर। लगे तो उसमें फुलके बनाना। अच्छा लगे लगे। एक्चुअली ये वाली आंटी जी, ये मुझे 2-3 साल हो गए यहाँ पर दिखते हुए, मेले में आते हैं ये वाले अंकल जी और आंटी जी। अच्छा सवेरे सवेरे फुलके पकड़ दे, सब्जी क्या बनाई तू सवेरे? असे शिमला मिर्च बनाई, नाले पनीर भी उदे विच पा लाया है और आलू सारा कुछ जो भी मिक्स मुस। बहुत बढ़िया, बहुत मजा है, बहुत आनंद है इधर, इतना मजा। मैं तो अपने पति कने 2-3 साल हो गए आंदे। अच्छा। लेकिन मेरा पति ना कोई 5-7 साल पहले दे आंदे ना, मेरे जेठ जी भी आंदे ना। अच्छा। मेरे जेठ जी आंदे है और बहुत आनंद, बहुत मजा और पैसा भी कमा ले। अच्छा काम होता है, परमेश्वर की दया करना। बाकी ये देखो जी फुलके बन रहे हैं
और ये देखो इतनी खूबसूरत जगह पे यहाँ पे बैठ के रोटी बनाना और खाना इतना मजा आता है ना। पिकनिक कर रहे हैं ना, ये तो हमारी एक सैर करा, पैसे तो हमारे उधर भी कमाते हैं, उधर भी काम करते हैं, हमारी दुकान भी है, लेकिन इधर हम क्या करने, पिकनिक करने के आते हैं, आनंद लेने आते हैं, मजा एंजॉय। वाली आंटी जी भी जहाँ पे खाना बना रही हैं, देखो जी सुबह सुबह सारे खाना बना। आप कहाँ से आए जी? अच्छा आप जम्मू से आए जी। आप रामनगर वाले कौन से हैं? वो वाले रात को हम पूछ रहे थे ना आपको कि रामनगर से कौन है, आपने बोला था कि एक लड़का रामनगर से है। वो मेरे साथ थे दूसरे भैया। अच्छा आप रामनगर से आए और आप जम्मू से? अच्छा आप, अच्छा ऐसे बिलावर के हो आप? अच्छा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे आते हुए? 10-12 साल। ये हमारे शेख चिल्ली जी देख रहे हैं। अच्छी जी ने भी है।